हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, सीबीएसई ने क्लास 12th इकोनॉमिक टर्म 1 का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। उसी को हम आज डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, और कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने हमें अटेम्प्ट करने और कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे टर्म 1 क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर है। इसमें दिया हुआ है, देयर आर ए टोटल क्वेश्चंस इन इन दिस क्वेश्चन पेपर, आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चंस आर टू बी द अटेम्प्ट। मतलब इसमें 60 क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पेपर में गिवन होंगे, जिसमें से कि हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। दिस पेपर इज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन। ये पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, यानी जो 60 क्वेश्चन होंगे आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी एंड सी। सेक्शन ए में क्या होगा, कंटेन 24 क्वेश्चन। उसमें सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन बी में कंटेंट में क्या होंगे, आपके 24 क्वेश्चन होंगे और उसमें भी आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में भी हमारे कितने क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कि हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मीन क्या है कि ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक में से 20 और एक में से 24, एक में से 25, ऐसे कुछ भी मतलब अपनी मर्जी से कर ले। सेक्शन ए में से हमें 20 करने हैं, बी में से भी 20 करने हैं और सी में से हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे। 40 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, 50 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे। देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। इसलिए हमें क्या होगा, सभी क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। मीन 20 करने हैं तो 20 हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय। यानी ये क्वेश्चन किससे लिया गया है, गवर्नमेंट बजट से। ये क्वेश्चन कौन से मतलब चैप्टर से लिया गया है, गवर्नमेंट बजट से। उसमें गवर्नमेंट बजट में जो कि हमने पढ़ा है बजट ऑब्जेक्टिव, बजट ऑब्जेक्टिव का भी एक पार्ट है। इसलिए यदि हमें एमसीक्यू, जैसे हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को, यानी पॉइंट्स के अंदर के पॉइंट्स को भी अच्छी तरह से पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या बोल रहा है, बजट ऑब्जेक्टिव, बजट ऑब्जेक्टिव का भी कौन सा पार्ट लिया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है, हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम क्या होता है, इनकम मीन क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो रिच पीपल होते हैं, रिच पीपल्स पे क्या करती है, रिच पीपल पे अपने टैक्स इम्पोज कर देती है, और जो उससे पैसा कलेक्ट होता है उसको सब्सिडी के रूप में पुअर पीपल को प्रोवाइड करा देती है। क्या करती है वो, रिच पीपल पे क्या करती है, टैक्स इंपोज करती है, पुअर पीपल को क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है वो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इसमें ढूंढते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से क्या मीन हुआ। मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी टू द डिजायर्ड लेवल, ये तो नहीं हो सकता है। इंक्रीजिंग द ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी, ये भी इसमें नहीं होगा। ब्रिंगिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडर इट डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन, ये इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। यानी क्या करना है, उसे रिच पीपल पे हमें टैक्स मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है, और उससे जो रिवेन्यू प्राप्त होता है उससे क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, किसको, पुअर पीपल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का। क्या होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का, टू एंड फ्रॉम। मतलब फॉरेन एक्सचेंज कैसा होना, इनफ्लो यानी फॉरेन एक्सचेंज अदर कंट्री से अपने में आना और अपने कंट्री से दूसरे में जाना। इसी का जो बैलेंस होता है, इसी की जो एक्टिविटी होती है, जो करती है, वो किसमें की जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इसमें क्या आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स फॉर आ फिस्कल ईयर। तो क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, नो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़ा ना होगा। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं होगा, फंड ऑफ गवर्नमेंट का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं लिया जाएगा। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज, इसका इनफ्लो लिया जाएगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम, यानी हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना और दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आना। दैट इज कॉल्ड क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लोन, लोन का भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच द फॉलोइंग बैंक डज नॉट
इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द जनरल पब्लिक। क्या करना है इसमें, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा बैंक है जो पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है। यानी जैसे आपने कौन कौन से बैंक पढ़े हैं, कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कॉमर्शियल बैंक में क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक जैसे आपका पीएनबी हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, ये सब क्या है हमारे कॉमर्शियल बैंक, जिसमें कि हम अपना जो अकाउंट होता है वो ओपन कर सकते हैं, मतलब पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल रख सकते हैं डिमांड डिपॉजिट के द्वारा। तो वो सब क्या होते हैं, हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं। तो उसमें तो पब्लिक डायरेक्टली अपना वो कर लेती है, खाता खोल भी सकती है और इंटरेक्शन भी रहता है। तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें कि पब्लिक का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, वो कौन सा होता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मीन क्या हुआ, बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं होगा, तो वो क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्शन नहीं होता है, उसका कनेक्शन किससे होता है, कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक का कनेक्शन किससे होता है, पब्लिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम, इनविजिबल जो नहीं दिखाई देती है, मीन क्या हुआ, सर्विसेज, ऐसा आइटम जो इनविजिबल है उसमें क्या आ जाएगा, सर्विसेज। अंडर करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन, देखो करंट अकाउंट ये दिया आपका करंट अकाउंट, आइडेंटिफाई विच द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम अंडर द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन। यानी इनविजिबल आइटम अंडर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर जो इनविजिबल आइटम है उस वो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल। क्या करना है इसमें, करंट अकाउंट में ऐसा बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में इनविजिबल आइटम का एग्जाम्पल नहीं है, उसमें ये देखना है। एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, ये क्या है हमारा, इनविजिबल है, इनविजिबल हमारा क्या होता है, इनविजिबल एग्जाम्पल है ना ये इनविजिबल आइटम का। एंड पोस्टल एंड कोरियर सर्विस, ये भी हमारा इनविजिबल का है। एंड एजुकेशनल रिलेटेड ट्रैवल, ये भी हमारा क्या है, इनविजिबल का। ये तीनों हमारे क्या हुए, इनविजिबल आइटम। क्लियर, तो ये हुआ मर्सेंडाइज लिंक्ड ट्रांजेक्शन। मर्सेंडाइज का मतलब क्या होता है, गुड्स का ट्रांजेक्शन। मर्सेंडाइज का मतलब क्या हुआ, गुड्स का ट्रांजेक्शन। यानी आपने पढ़ा होगा बुक में, एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा होगा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, द गुड्स क्या है, ये विजिबल है। और मर्सेंडाइज लिंक्ड ट्रांजेक्शन भी किसको कहा जाता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को भी क्या कहा जाता है, मर्सेंडाइज लिंक्ड ट्रांजेक्शन भी बोला जाता है। मीन क्या हुआ, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होना किसका, गुड्स का। यानी ये क्या हुआ हमारा, विजिबल, और ये तीनों क्या हुए हमारे, इनविजिबल, कौन से, ये तीनों। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और 2। इसमें क्या होगा, आपके दो स्टेटमेंट गिवन है, इसमें या तो दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे, या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, या एक स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा और सेकंड फॉल्स होगा, या क्या होगा, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू और स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। यानी इन चारों ऑप्शन में से हमें चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, डिमोनेटाइजेशन वाज अ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ द करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड द सर्कुलेशन ऑफ द फेक करेंसी इन द इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर 4 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसमें एक पार्ट था डिमोनिटाइजेशन। उसमें बताया गया था डिमोनिटाइजेशन क्या होता है, करेंसी का, जो हमारा मोदी जी ने हमारे 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट को हमारी इकोनॉमिक से क्या किया था, खत्म किया था। तो क्या कारण था उसको, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, क्या था, यही तो था, टैकल द प्रॉब्लम ऑफ द करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड द सर्कुलेट द फेक मनी, इन सबको क्या करना, हमारी इकोनॉमिक से हटाने के लिए डिमोनिटाइजेशन किया गया था। यानी हमारा स्टेटमेंट क्या है, हमारा 1 ट्रू है। क्लियर, डिमोनिटाइजेशन हैज एंश्योर इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लायंस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, ये भी था इसका एक ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव तो था करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म और सर्कुलेशन ऑफ जो फेक करेंसी थी उसको इकोनॉमी से हटाना था। दूसरा क्या था, इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लायंस। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, कौन सा, डिमोनिटाइजेशन एंड एंश्योर इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लायंस, इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लायंस। क्लियर, तो हमारे बहुत स्टूडेंट जो बहुत स्टेटमेंट है वो ट्रू है।
तो जो इसका ए ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। मिस साक्षी एन इकोनॉमिक टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम परचेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट। किस चीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है मिस साक्षी? इकोनॉमिक्स की एक टीचर है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट टू बी कैप्ट बाय एन कमर्शियल बैंक। किसके द्वारा रखा जाता है? कमर्शियल बैंक के द्वारा। कहाँ रखा जाता है? विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक के द्वारा रखा जाता है। एज पर नॉर्म्स एंड स्टेटस प्रिवेलिंग मिस साक्षी हैं जो इकोनॉमिक्स की टीचर हैं वो क्या कर रही है? एक्सप्लेनेशन कर रही है कौन से कॉन्सेप्ट का? मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट इट टू बी कैप्ट बाय एन कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल यानी क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक अपना कुछ पैसा किसके पास रखता है? सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व करता है जो क्या कहलाता है? कैश रिजर्व रेशो। मीन क्या होता है कि जो टोटल मनी कॉमर्शियल बैंक के पास जमा होती है उसका कुछ पार्ट क्या करता है वो स्टार्टिंग में सेंट्रल बैंक के पास जमा कर देता है। उसका जो रेशियो होता है वो कौन डिसाइड करता है? वो करता है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा रखा जाता है उसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो। तो इसमें बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच स्पेसिफिक टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन बाई हर। कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, बैंक रेट, स्टेचुरी लिक्विड रेशो। देखो कैश रिजर्व रेशो होता है वो। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जो जब कमर्शियल बैंक क्या करता है सेंट्रल बैंक से उधार लेता है तो उसके लिए कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक करता है रेट लगाता है वो क्या कहलाता है? रेपो रेट। वो क्या कहलाता है? रेपो रेट। तो ये क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है। इसमें क्या बोला है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट टू बी कैप्ट बाय एन कमर्शियल बैंक। इसमें डिपॉजिट किया जा रहा है, लोन नहीं लिया जा रहा है। यदि लोन लिया जाता तो उसका जो रेट होता वो कहलाता है रेपो रेट। तो इसका ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बैंक रेट भी क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है रेपो रेट, और बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये भी क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के द्वारा लोन ही लिया जाता है। स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशो क्या होता है कि जो जो रेशो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक। इसलिए डिसाइड करता है कि कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा तो रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है और कुछ पैसा अपने पास ही सिक्योरिटी के रूप में, लिक्विडिटी के रूप में अपने पास रखना होता है। वो गोल्ड भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि कुछ पैसा जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है वो पैसा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कैश रिजर्व रेशो। यदि कमर्शियल बैंक अपने पास रखता तो डी ऑप्शन बनता। यदि वो सेंट्रल बैंक के पास जमा कर रहा है तो वो कौन सा होगा? कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फ्रेंड्स मीरा एंड सिद्धू वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम। किससे लिया गया है? एक्सचेंज रेट से। अंडर दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड द सप्लाई। यानी एक सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट में कि मार्केट फोर्स में जो डिटरमाइन किया गया है, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया गया है इसके द्वारा, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। जैसे होता है ना कि एक्सचेंज रेट में जो एक्सचेंज रेट डिसाइड किया गया है ये डिमांड होगी, ये सप्लाई होगी। ये जो रेट हुआ ये हमारा क्या हुआ? एक्सचेंज रेट, जो ये पॉइंट बना हमारा। क्लियर? तो ये हमारा सप्लाई का हो गया और ये डीडी डिमांड। तो ये हमारा जो रेट बना ये एक्सचेंज रेट, यानी मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड, मार्केट फोर्सेस की डिमांड और सप्लाई के द्वारा जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड हुआ है। हाउएवर डिलिबरेट एफर्ट आर मेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से किसका मतलब हुआ यार? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। टू कीप द एक्सचेंज रेट विद इन द स्पेसिफिक रेंज। यानी क्या बोला गया है कि द अबव मेंशन स्टेटमेंट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कैप एक्सचेंज, द अबाउट मेंशन स्टेटमेंट वाज गिवन बाय सिद्धू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द एक्सचेंज रेट सिस्टम वाय टू द टेकिंग अबाउट। यानी इसमें क्या पूछा गया है कि जो ये चीज करी गई है कि मार्केट फोर्स के द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो एक्सचेंज रेट को डिसाइड किया गया और उसके बाद सेंट्रल बैंक ने अपने फोर्स के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उस एक्सचेंज रेट को स्पेसिफिक रेंज में क्या किया गया? चेंज किया गया, मतलब अपने हिसाब से उसको चेंज किया गया। तो उसको क्या बोला जाएगा? क्या फिक्स एक्सचेंज रेट बोला जाएगा? फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट वो होता है जो मैंने यहाँ पे बताया था, जो डिमांड और सप्लाई के कारण क्या होता है, डिसाइड किया जाता है जो रेट, वो क्या कहलाता है? फिक्स एक्सचेंज रेट।
तो डिमांड और सप्लाई की मार्केट फोर्स के द्वारा तो ये डिसाइड किया गया है, लेकिन इसमें एफर्ट भी तो हुए हैं किसके, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, तो इसलिए फिक्स एक्सचेंज रेट इसमें नहीं होगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो भी नहीं होगा, क्योंकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, जब फिक्स एक्सचेंज रेट को जब गवर्नमेंट क्या लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि ये तो ये बहुत ज्यादा है जो ये प्राइस है और यह बहुत कम है, तो वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करके कम या ज्यादा कर लेता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो ये भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, मार्केट फोर्स और डिमांड एंड सप्लाई ली गई है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी दोनों को मिक्स करके किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी क्या होगा, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। पहले क्या हुआ है कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा की मार्केट फोर्स के द्वारा एक्सचेंज रेट को क्या किया गया, फिक्स किया गया है, और उसको फिर जो आरबीआई ने अपनी अथॉरिटी से क्या किया है, उसको अपने हिसाब से कम या ज्यादा किया है। पहले किसके द्वारा, डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिसाइड किया गया, फिर उसने अपनी मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसको क्या किया गया, चेंज किया गया, मैनेज किया गया, कि जिस तरह की भी मतलब जो हमारी इकोनॉमी है उसकी जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज किया गया, तो इसको क्या बोलेंगे, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला क्या है, पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। देखो पब्लिक गुड्स क्या होता है, पब्लिक गुड्स आपने पढ़ा किसमें है, किस चैप्टर में पढ़ा है आपने इसको, इसको पढ़ा है आपने बजट, गवर्नमेंट बजट के बजट ऑब्जेक्टिव, बजट ऑफ जो बजट के ऑब्जेक्टिव थे उसमें आपने पब्लिक गुड्स पढ़ा है। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, जो कलेक्टिवली कंज्यूम किए जाते हैं किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, जैसे हमारे रेलवेज होते हैं, डिफेंस की जो होती है सर्विसेज वो होती हैं, ये सब क्या होती है, कलेक्टिवली पब्लिक के द्वारा यूज किया जाता है, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा उसको यूज किया जाता है, वो गवर्नमेंट की है होती है और उसको पूरी पब्लिक उसको यूज कर सकती है। क्लियर, तो पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन, पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड रिवेल्यूअस इन नेचर। एक्सक्लूडेबल, क्या पब्लिक गुड्स को गवर्नमेंट हटा सकती है, क्या आपकी जो गवर्नमेंट रेलवे चलते हैं हमारे गवर्नमेंट्स के द्वारा, क्या उसको हटा देगी, क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट की रेलवे को हटाकर काम चल जाएगा या सरकार उसको हटा दे, तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। एंड रिवेल्यूअस मतलब क्या हुआ, इसका क्या हुआ, कॉम्पिटेंट होगी या कि मतलब गवर्नमेंट का या पब्लिक के साथ क्या उसका कंपटीशन होगा, प्राइवेटली नहीं हो सकता, तो इसका ये वाला ऑप्शन तो सही हुआ, क्योंकि पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड, इसके द्वारा कंज्यूम की जाती है कलेक्टिवली पब्लिक के द्वारा, तो ये तो आपका ट्रू हुआ और ये आपका फॉल्स हुआ, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू ये भी गलत है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स ये भी गलत है, स्टेटमेंट सी सही होगा, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। क्लियर, नेक्स्ट वन, अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ नेशन द टू मेन कैटेगरी ऑफ अकाउंट और द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। मैंने अभी पढ़ाया था, एक तो आपने पढ़ा था अभी, करंट अकाउंट होता है उसका, यानी जो कैटेगरी होती है अकाउंट्स की, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो एक तो करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट, ये तो बहुत ईजी है, इसमें ऑप्शन हमें ढूंढने होंगे कौन से होंगे, वन एंड थ्री, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या फंक्शन नहीं है, यानी चार आपको फंक्शन गिवन है, उसमें से एक फंक्शन ऐसा निकालना है कि जो रिजर्व बैंक का फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, टू एक्ट एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो फंक्शन है आरबीआई का। आरबीआई का फंक्शन क्या होता है, जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका क्या होता है, बैंक, जैसे पब्लिक क्या करती है, कमर्शियल बैंक को बैंक की तरह यूज करती है, इस तरह से गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है आरबीआई को एज ए गवर्नमेंट वो एज ए बैंक यूज करती है। क्लियर, तो ये तो एक्ट है इसका, तो ये तो नहीं हो सकता है। टू एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ द गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया, कस्टोडियन करता है ये तो रिजर्व उसका गोल्ड का, तो ये भी आप इसका ये भी रिजर्व बैंक का फंक्शन है, क्या होता है ये गोल्ड को रिजर्व करके रखता है ना जो हमारी सेंट्रल बैंक होती है। तीसरा क्या हुआ, टू एक्ट एज द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, तो ये एक्ट भी इसका हुआ। टू इशू कॉइन 1 रुपया एंड 1 रुपी नोट,
ये इसका आंसर होगा, ये आरबीआई का वर्क नहीं है, ये किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो ये कॉइन और रुपी 1 रुपी का नोट होता है, ये आरबीआई इशू नहीं करता है। कॉइन्स और 1 रुपी के नोट के अलावा जितने भी नोट्स होते हैं वो कौन इशू करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो ये तीनों एक्ट हैं ये हमारे किसके हैं, आरबीआई के कार्य। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको डिटेल में भी आप देख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन आईपीआर 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ 5 ईयर प्लान। जो हमारा इंडस्ट्रियल वाले चैप्टर में देख लेंगे आप इसको, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956, एंड सेकंड कब हुआ था आपका, 1956 टू 1961। तो ये हमारा किस में हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हुआ था हमारा सेकंड, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, साइज ऑफ द लेबर फोर्स इन द कंट्री, नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क फोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, यानी ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या हुआ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर क्या होता है कि मीन क्या होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का, जो लेबर फोर्स होती है इंडिया में, जितनी भी लेबर फोर्स है उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, 3 सेक्टर में डिवाइड है। उसमें जितनी भी वर्क फोर्स यूज की जाती है उसको क्या बोला जाता है, तीनों सेक्टर की जो वर्क फोर्स होती है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ, साइज ऑफ लेबर फोर्स ऑफ ए कंट्री, नहीं साइज तो नहीं होता है इसमें, नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन अ कंट्री, नंबर ऑफ पीपल भी नहीं होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क फोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, वर्क फोर्स का, अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, यानी 3 सेक्टर में बताया मैंने आपको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तो इसको इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर आफ्टर मीटिंग देयर सेल्फ कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। सेल्फ कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ये क्या होता है आपका, सस्टेनेबल फार्मिंग। ये कब होता था, मीन क्या होता था, पहले फार्मर्स क्या करते थे जब अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेजों के आने से पहले सस्टेनेबल फार्मिंग होती थी, मीन वो उतना ही उगाते थे, वो चीज उगाते थे जो उन्हें खुद के लिए कंज्यूम करने के लिए जरूरत होती थी। लेकिन अंग्रेजों ने आके बोला है कि नहीं, आपको कमर्शियल फार्मिंग ही करनी है। मीन क्या हुआ कि जो अपने कंज्यूम के अलावा तुम्हें वो भी फार्मिंग करनी है जो आपको सेल आउट करनी है मार्केट में, दूसरों के लिए यूज करना, क्लियर। तो ये क्या हुआ आपका, इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच द सोल्ड इन द मार्केट, यानी अपने कंजम्पशन का रोक कर मार्केट में सेल आउट करना किसके द्वारा, फार्मर के द्वारा, आफ्टर मीटिंग देयर सेल्फ कंजम्पशन। यानी वो क्या करता है, सेल्फ कंजम्पशन का अपने पास रख लेता है, रिक्वायरमेंट जितनी होती है फार्मर को, और जो बाकी होता है, जो मतलब उसका एक्स्ट्रा, मतलब फार्मर्स की जो फसल होती थी उसको क्या करता था, उसमें मार्केट में सोल्ड आउट कर देता था। उसको क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि फार्मर जो अपने यूज के लिए अपने पास रखता था और बाकी बचा हुआ मार्केट में सेल आउट कर देता था, दैट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। जो ट्रेड सरप्लस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड में क्या होता है कि जो हमारी कंट्री का बाहर और बाहर का हमारी कंट्री में, उसमें यदि हम एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा मतलब गेन करते हैं, वो होगा हमारा ट्रेड सरप्लस, वो मार्केटेबल सरप्लस नहीं कहलाएगा। मार्केटेबल सरप्लस जो फार्मर के द्वारा मार्केट में बेचा जाता है, अपने यूज का अपने पास रखने के बाद जो उसके पास बचता है उसको वो मार्केट में सेल आउट करता है। प्रोड्यूसर सरप्लस भी नहीं होगा, और कंज्यूमर सरप्लस भी नहीं होगा, क्लियर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को केयरफुली चूज करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव यूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम न्यूट्रिशनल पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम न्यूट्रिशनल कैलोरोफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ डे। पॉवर्टी लाइन मीन क्या होता है कि जो हमारी पॉवर्टी लाइन है,
एक तो न्यूट्रिशन के द्वारा, कैलोरी के द्वारा मेजर की जाती है, और किसके द्वारा करी जाती है, मॉनेटरी वैल्यू के द्वारा। क्लियर? तो ये सही है। मॉनेटरी वैल्यू से मतलब क्या हुआ, मॉनेटरी वैल्यू में जो रूरल जैसे मॉनेटरी मॉनेटरी में भी टू हो जाएंगे आपके रूरल और अर्बन। ये रूरल हो गया, ये अर्बन हो गया। रूरल में क्या होगा, रूरल में क्या होगा कि जो मॉनेटरी मतलब मनी पर मंथ पर कैपिटा इनकम मीन क्या हुआ, रूरल कितना करेगा 816 रुपए। यदि एक व्यक्ति रूरल एरिया में 816 रुपए से कम एक महीने में खर्च करता है तो वो क्या होगा, पॉवर्टी लाइन के बिलो होगा। और यदि 816 रुपए वो उससे ज्यादा खर्च करता है तो वो पॉवर्टी लाइन से अबव होगा। बिलो कब होगा, यदि वो महीने में एक व्यक्ति 816 रुपए से कम खर्च करता है। और अर्बन एरिया में कितना होगा, ये 1000 रुपए। यानी अर्बन पीपल कब होगा, यदि एक व्यक्ति एक महीने में 1000 रुपए से कम यूज करता है तो वो पॉवर्टी लाइन से बिलो होगा। और अबाव कब होगा, यदि वो 1000 रुपए से अबाव यूज करता है। दूसरा क्या हुआ आपका, न्यूट्रिशन यानी कैलरी। कैलरी में भी आपका टू आ जाएगा इसका। ये रूरल हो गया, ये अर्बन हो गया आपका। रूरल कितनी करेगा आपकी, 2400 2400 यानी 2400 कैलरी। और अर्बन में कितनी होगी आपकी, 2100 कैलरी। यानी यदि रूरल एरिया में कोई व्यक्ति 2400 से कम कैलरी कंज्यूम करता है तो वो क्या कहलाएगा, पॉवर्टी लाइन से बिलो कहलाएगा। और यदि अर्बन एरिया में मतलब 2100 से कम करता है तो वो क्या कहलाएगा, पॉवर्टी लाइन से कम कहलाएगा। और यदि 2400 या 2400 से अबाव होते हैं तो वो पॉवर्टी लाइन के बिलो नहीं कहलाते, अबाव कहलाते हैं। ऐसे ही अर्बन का होगा, यदि वो 2100 से ज्यादा कैलरी कंज्यूम कर लेता है तो वो भी पॉवर्टी लाइन से अबाव ही कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सबसे पहले इसका आया था 1979 में, और उसके बाद इसका आया आपका 2011-12 में। तो ये समय के साथ बदल गई ना क्या हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि वो चेंज हुई है। और ये क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि ये दोनों टर्म में हमने क्या किया है, पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया है। किस किस में, मॉनेटरी वैल्यू में भी और न्यूट्रिशन में भी, कैलरी बेस पर भी। तो आपका ये इसमें कौन सा होगा, पहला ऑप्शन आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा और सेकंड क्या होगा, फॉल्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। स्टेटमेंट वन, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा ये करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया से जो हमारी लेबर फोर्स जाती है, लेबर जो होती है वो हमारी इंडिया से बाहर जाती है, मेन लेबर के रूप में भी और स्किल्ड लेबर के रूप में भी। क्योंकि जो अदर कंट्री है उसको लगता है कि इंडिया से जो हमें लेबर फोर्स प्राप्त होती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों, वो सस्ती मिल जाती है, सस्ती भी मिल जाती है और स्किल्ड भी मिल जाती है। तो क्या होगा, इसलिए ये आउटसोर्सिंग हब हुआ। क्लियर? तो इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, तो ये क्या हुआ, हमारा ट्रू ऑप्शन हुआ। एबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गेन्ड बाय इंडिया एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अभी तो बताया मैंने आपको कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब आउटसोर्सिंग हब है हमारा, इंडिया क्या है, सबसे ज्यादा मतलब यहीं से लेबर मिलती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। क्यों, चीप लेवल पे, मतलब यहाँ से सस्ती प्रोवाइड हो जाती है। एबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गेन्ड बाय द इंडिया, तो ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्लियर? तो नेक्स्ट वन, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ 1916 इंडिया वाज प्राइमरली डिपेंड ऑन द फॉर द सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन्स। यानी 1960 में जो हमारा फूड ग्रेन्स आता था, जो हमारी इंडिया फूड ग्रेन्स पर डिपेंड थी, तो वो किस पर थी, तो उसमें या तो यूएसए आएगा या ब्रिटेन आएगा, मैक्सिको और ये तो यूनियन ऑफ सोवियत,
नहीं होगा। कैसे? या तो ब्रिटेन हो सकता है या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या होगा इसका? यूएसए। ब्रिटेन कब था हमारा? इंडिपेंडेंस से पहले। हम उस पर डिपेंड कब थे? इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस के बाद हम किस पर डिपेंड हो गए? यूएसए पर। 1960 में हम किस पर डिपेंड थे? यूएसए पर। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट, इसमें क्या करना है हमें? करेक्ट पेयर बनाने हैं किसके? स्टेटमेंट के, यानी कॉलम वन और कॉलम टू। इन दोनों में हमें देखना है कि कौन से वाला, ए और वन, करेक्ट है, या बी सेकेंड वाला, सी थर्ड वाला, या फोर्थ, डी और फोर्थ करेक्ट है। तो देखते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसको इस तरह से मैच करना है, एक्सेज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स, ये तो नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इससे मैच नहीं कर रही है, ये तो एक्सिस हो गया। एक्सिस का क्या मतलब हुआ? एक्सपोर्ट तो नॉर्मली बताया हुआ है इसमें, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड सरप्लस एंड एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम, ट्रेड सरप्लस में तो नहीं होता इनविजिबल, विजिबल होता है। और ट्रेड सरप्लस में होता क्या है कि हमारा ट्रेड कंपेयर में अदर कंट्री से ज्यादा जाना, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा होना, इम्पोर्ट कम होना, तो तब क्या बनता है हमारा? ट्रेड सरप्लस। करंट ट्रांजेक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी करंट ट्रांजेक्शन करा कहाँ पर हमने? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो ये क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव तो नहीं हुआ है क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन गया है, हमने ट्रांजेक्शन किया है, आया नहीं है हमारे पास, हमारा ट्रांजेक्शन गया है, तो ये क्या हुआ? नेगेटिव, हमने दिया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तो रिकॉर्डेड एज ए पॉजिटिव आइटम इन बीओपी अकाउंट, तो करंट ट्रांसफर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो नेगेटिव हुआ, रिकॉर्डेड एज अ पॉजिटिव आइटम इन द बीओपी अकाउंट, तो ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, तो ये भी मैच नहीं होगा। अब हमारा बचता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज सेट अप इन 1982। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज सेट अप इन 1982। जो हमारी जो नाबार्ड थी, ये कब सेटअप हुआ था? 1982 में, एज द बॉडी ऑफ द कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। किसमें? ये होगी हमारी एपेक्स बॉडी, आप डायरेक्टली इसमें देख सकते हैं, किसमें? एनसीईआरटी में। एपेक्स का मतलब सुप्रीम, जिस तरह की जो जो हमारा वो होता है आरबीआई, वो सभी बैंकों का बैंक कहलाया जाता है, एपेक्स बोला जाता है उसको, एपेक्स। तो इसी तरह से ये नाबार्ड भी क्या है हमारा? रूरल फाइनेंसिंग का क्या है, या रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम का क्या है? अपेक्स। ना कोऑपरेटिव है, ना माइक्रो क्रेडिट है, ना प्राइवेट क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो जितने भी हमारे 18 प्लस हैं, तो उनको क्या की जाएगी? वैक्सीनेशन की जाएगी इंडिया की सभी पॉपुलेशन को विद द कोवैक्सीन और कोविडशील्ड विदाउट एनी चार्ज, बिना किसी चार्ज के, यानी गवर्नमेंट ने कोई चार्ज थोड़ा ना लिया है उसका। दिस वुड बी द कैटेगराइज एज, इसको क्या बोला जाएगा? रिवेन्यू नेचर इनकम, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, या कैपिटल नेचर इनकम। तो रिवेन्यू नेचर इनकम और कैपिटल नेचर इनकम तो हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो इसमें एक्सपेंडिचर कर रही है। अब हमें पता करना चाहिए, करना है इसमें कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है, तो ये होगा हमारा रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। क्यों? कैपिटल में क्या होता है? कैपिटल में होता है कैपिटल फॉर्मेशन, या तो हम मतलब परचेज कर रहे हैं या कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर उसमें बनेगा। रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर किसके लिए होगा? जब हम किसी मतलब गवर्नमेंट के साथ बिना किसी बेनिफिट के गवर्नमेंट मतलब पब्लिक को प्रोवाइड करा रही है कोई सर्विस। क्लियर? इग्नोर द रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, कौन सा कारण नहीं है जो पॉवर्टी पॉवर्टी बनती है? मेन क्या हुआ इंडिया में, क्या कारण नहीं है पॉवर्टी का? सबसे पहला क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोइशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो ये तो पॉवर्टी का सबसे मेन कारण है। राइज इन पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ना, ये तो पॉवर्टी का कारण। यदि ये पर कैपिटा इनकम जीडीपी बढ़ जाती है तो
वो पॉवर्टी का कारण नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राइज इन पर कैपिटा जीडीपी। लो कैपिटल फॉर्मेशन ये भी पॉवर्टी का कारण है, और सोशल इकोनॉमिक एक्सक्लूजन ये भी हमारा पॉवर्टी का कारण है। ये पूछा गया है क्या कारण नहीं है, तो क्या होगा इसका, राइज इन पर कैपिटा जीडीपी। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ एनीबडी वांट वीडियो ऑन एनी टॉपिक प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।